ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र को भरने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पोर्टल का उपयोग करके आवेदन प्रक्रिया के दो चरण हैं: पोर्टल पर पंजीकरण करना, आवेदन पत्र भरना और जमा करना। हमने पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रवेश आवेदन पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस वीडियो में हम ऑनलाइन प्रवेश आवेदन पर पत्र भरने और जमा करने का तरीका प्रदर्शित करेंगे। पूर्वापेक्षा हेतु कृपया पिछले वीडियो हाउ टू रजिस्टर एट द केवी एडमिशन पोर्टल को अवश्य देखें। यहाँ मैंने केवी ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल वेब पेज खोला है। पेज के ऊपरी दाएं कोने पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन पेज खुलता है। लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जैसा कि पंजीकरण के दौरान किया गया है। सही तरीके से कैप्चा कोड प्रविष्ट करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। प्रवेश आवेदन फॉर्म खुलता है। कृपया इन निर्देशों को पढ़ें। प्रवेश आवेदन फॉर्म को 5 भागों में तैयार किया गया है: बेसिक इंफॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन और सबमिट। क्रमानुसार सभी भागों को भरें। जब तक आप एक सेक्शन पूरा नहीं कर लेते तब तक आप अगले सेक्शन में नहीं जा सकते। अगले सेक्शन में जाने से पहले सभी अनिवार्य जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन खुलता है। प्रवेश से संबंधित बच्चे की मूल जानकारी इस सेक्शन में भरी जानी चाहिए। इस फॉर्म के कुछ भाग पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई जानकारी से भरे हुए हैं। इस फील्ड की जानकारी को इस चरण पर बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता। आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आवेदन पत्र भरना जारी रखें। प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए मैंने एक उदाहरण के साथ यहाँ फॉर्म भरा है। ड्रॉपडाउन से बच्चे का लिंक चुनें। यदि आपकी बालिका है तो वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी एनेबल होगा। कृपया यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चा इस श्रेणी में प्रवेश के योग्य है या नहीं, केवीएस प्रवेश नियमों की जांच करें। यदि आप यस चुनते हैं, इज अ ट्विन ट्रिपलेट गर्ल सिबलिंग आल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन फील्ड एनेबल होता है। उपयुक्त विकल्प भरें। इस फॉर्म में हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी जुड़वा या 3 बालिका है तो इस विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृपया इस ट्यूटोरियल को अभी जारी रखें और आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्पेशल केसेस एंड एग्जाम्पल्स ट्यूटोरियल देखें। यह वीडियो बताएगा कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले जुड़वा 3 बहनों का विवरण कैसे भरें। फैमिली इनकम ग्रुप, कृपया उचित विकल्प का चयन करें। यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब रेखा से नीचे का विकल्प चुना गया है तो उचित फील्ड्स में प्रमाण पत्र का विवरण भरें। जाति श्रेणी में उचित विकल्प का चयन करें। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे और निशक्तजन श्रेणी के लिए बच्चे का प्रवेश राइट टू एजुकेशन या आरटीई श्रेणी के तहत केवीएस दिशा निर्देशों के अनुसार माना जाएगा। अगले पेज पर जाने से पहले आवेदन सेव करें। सेव एप्लीकेशन बटन पेज के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध है। यह आपको आंशिक रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सेव करने में मदद करेगा। सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। एक मैसेज प्रदर्शित होता है। ओके पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि फॉर्म केवल आपके लिए बाद के सत्र में भरना जारी रखने के लिए सेव हुआ है। फॉर्म अभी तक केवीएस को जमा नहीं किया गया है। पेज के नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यह आपको पेरेंट डिटेल्स पेज पर ले जाएगा। यहाँ इस पेज पर माता पिता का विवरण भरना होगा। कृपया संकेतिक फील्ड्स में माता पिता का उचित विवरण भरें। कम से कम एक अभिभावक का विवरण अनिवार्य है। प्रदर्शन के लिए मैंने एक उदाहरण के साथ फॉर्म भरा है। यदि आप चाहते हैं कि माता का पता पिता या इसके विपरीत के लिए उपयोग किया जाए तो आप उपयुक्त बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। यदि कोई अभिभावक कार्यरत नहीं है तो आप संबंधित फील्ड्स को यहाँ खाली छोड़ सकते हैं। आवेदन फॉर्म सेव करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
चॉइस ऑफ स्कूल्स सेक्शन खुलता है। इस सेक्शन में उनके बीच बिना किसी वरीयता के तीन अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के लिए विवरण भरने का विकल्प है। यदि आप तीन स्कूल में कम से कम आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने अनुसार स्कूल पसंद करने के लिए एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक स्कूल चुना जाना चाहिए। ड्रॉप डाउन मेनू में से स्कूल का राज्य चुने। ड्रॉप डाउन मेनू से स्कूल का चयन करें। चयनित राज्य के सभी केवी स्कूल ड्रॉप डाउन में सूचीबद्ध है। इस स्थिति में मैं केवी भांडुप चुनूंगी। इस स्कूल को डिफेंस श्रेणी के स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस स्कूल में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। इस विशिष्ट उदाहरण में हम यह मान रहे हैं कि बच्चे की माँ एक रक्षा कर्मचारी है। चयनित स्कूल का नाम विद्यालय 1 टैब पर दिखाई देता है। चयनित स्कूल के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से प्रदर्शित की जाएगी। निवास से विद्यालय की दूरी। यह विकल्प केवल उस स्थिति में सक्षम है जहां आवेदन RTE श्रेणी के तहत मान्य है। क्योंकि यह एक शहरी स्कूल है जो 5 किलोमीटर से कम या उसके बराबर है, वह RTE के तहत प्रवेश के लिए मान्य होगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले RTE के तहत प्रवेश के लिए मान्य नहीं होंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया सेवा श्रेणी के बारे में इन निर्देशों को पढ़ें। यहाँ क्वेरी है, Do you need help in filling service priority category? यह सुविधा आपको सर्वश्रेष्ठ सेवा प्राथमिकता श्रेणी तय करने में मदद करने के लिए प्रदान की गई है। यदि आप उस सेवा प्राथमिकता श्रेणी के बारे में सुनिश्चित हैं, जिसे आप लागू करना चाहते हैं, तो आप नो चुन सकते हैं। इस मामले में नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन से सेवा प्राथमिकता श्रेणी चुन सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। गलत सेवा प्राथमिकता श्रेणी में प्रवेश करने से स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना प्रभावित हो सकती है। सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया स्पेशल केसेस एंड एग्जांपल्स ट्यूटोरियल देखें। अधिक स्पष्टता के लिए निर्देश देखें। उन माता पिता दादा दादी श्रेणी का चयन करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी और स्थानांतरण का प्रवेश के लिए विचार किया जाना आवश्यक है। मैं माँ को चुनूंगी। कृपया चुने जो भी आपके लिए लागू है। फादर सिलेक्टेड पेरेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर एज ऑन डेट। यदि आप यस चुनते हैं तो तालिका में स्थानांतरण विवरण भरें। मैं नो चुनूंगी। आवेदन सेव करें। यदि आप तृतीय स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं, तो विद्यालय 2 टैब पर क्लिक करें। इस स्कूल के लिए एक नया पेज खुलता है। यहाँ मैं KVONGC पनवेल स्कूल चुनूंगी। यह प्रोजेक्ट स्कूल के रूप में वर्गीकृत है। ONGC पनवेल के कर्मचारियों के बच्चों या पोते पोतियों के लिए इस स्कूल में प्रवेश की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस विशिष्ट उदाहरण में हम बच्चे के माता पिता को ONGC पनवेल का कर्मचारी मान लेंगे। इसलिए KVONGC पनवेल के लिए बच्चे के प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए पिता की सेवा प्राथमिकता श्रेणी को लागू करना अधिक उपयुक्त है। एक ही बच्चे के लिए हम विभिन्न स्कूलों में आवेदन करते समय विभिन्न माता पिता की सेवा प्राथमिकता श्रेणी का चयन कर रहे हैं। यह इस विशिष्ट उदाहरण में प्रत्येक स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना अधिकतम करेगा। आपके मामले में स्थिति अलग हो सकती है। प्रत्येक स्कूल में बच्चे के प्रवेश के अवसर को अधिकतम करने के लिए आपको ध्यान से माता पिता या दादा दादी के विकल्प का चयन करना चाहिए। यदि आप तीसरे और अंतिम स्कूल के लिए फॉर्म भरना जारी रखना चाहते हैं, तो सिलेक्ट केंद्र विद्यालय 3 टैब पर क्लिक करें। यहाँ मैंने KVIIT पवई चुना है। इस स्कूल को इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस स्कूल में प्रवेश के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रायोजक संस्थानों IIT बॉम्बे, समीर और नीटी के कर्मचारियों के बच्चों को या पोते पोतियों को दी जाएगी। यहाँ मैंने बच्चे के दादा को IIT बॉम्बे का सेवानिवृत्त कर्मचारी माना है। जैसे कि पहले बताया गया है, इस स्कूल में बच्चे के प्रवेश की संभावना बढ़ाने के लिए मैं दादा दादी की सेवा श्रेणी लागू कर रही हूँ। यहाँ दिखाए गए अनुसार सभी अनिवार्य फील्ड को भरें। एक बार जब आप स्कूलों का चयन भर लेंगे, सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट्स सेक्शन खुलता है। कृपया इस सेक्शन को भरने से पहले निर्देशों को पढ़ें। बच्चे के जन्म तारीख का प्रमाण पत्र और बच्चे की पासपोर्ट आकार की फोटो
इन दो दस्तावेजों को अपलोड करने की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों के लिए केवल JPEG या PDF फाइल प्रारूप अपलोड किए जा सकते हैं। प्रत्येक फाइल साइज अधिकतम 256 KB हो सकती है। अपने सिस्टम पर निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों को तैयार रखें। ब्राउज बटन पर क्लिक करें, फाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है। फाइल के स्थान पर जाएं और फाइल चुनें। ओपन बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन के दाईं ओर मौजूद अपलोड बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार निर्धारित प्रारूप में बच्चे का पासपोर्ट आकार का फोटो अपलोड करें। पेज नीचे स्क्रॉल करें। प्रवेश के समय स्कूल में जमा किए जाने वाली दस्तावेज यहां सूचीबद्ध हैं। ध्यान दें कि आपको प्रत्येक स्कूल में दस्तावेजों के विभिन्न सेट जमा करने पड़ सकते हैं। पेज को सेव करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। डिक्लेरेशन एंड सबमिट पेज खुलता है। नीचे स्क्रॉल करें और सभी घोषणाओं को ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप उन सभी से सहमत हैं। यहाँ दी गई एक झूठी घोषणा जटिलताओं या प्रवेश से इनकार करने का कारण हो सकती है। पेज के निचले भाग में मौजूद डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को चेक करें। यहाँ पेज के नीचे तीन बटन हैं, सेव टू प्रीव्यू, प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन। सेव टू प्रीव्यू बटन एनेबल है, इस पर क्लिक करें। प्रीव्यू बटन एनेबल है, इस पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरा गया आवेदन एक नए टैब में खुलता है। यदि आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, प्रिंट ऑप्शन चुनें। भरे हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें। यदि आपको कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो गलत भरी गई है, तो कृपया फॉर्म में उपयुक्त सेक्शन पर वापस जाएं और जानकारी को सही करें। आवेदन फॉर्म को जमा करने के बाद आप फॉर्म में किसी भी जानकारी को संपादित नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पेज पर वापस जाने के लिए माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। दो बटन नो थैंक्स और यस सबमिट के साथ एक पॉपअप बॉक्स खुलता है। यदि आपको अभी भी संदेह है और आवेदन को देखना चाहते हैं, तो नो थैंक्स बटन पर क्लिक करें। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस सबमिट बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई सबमिशन OTP पेज खुलता है। पंजीकरण के समय आपके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ OTP प्रविष्ट करें। वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करें। सहमति पेज खुलता है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड यहाँ दिया गया है। इस पेज को सेव और प्रिंट करें। यह प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करता है। आवेदन पत्र की स्थिति की जांच करने के लिए पेज के ऊपरी दाएं कोने पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर क्लिक करें। एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ प्रदर्शित है। अब हमने ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे से ज्योति सोलंकी के द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।